नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीआई के बारे में। हालांकि एग्जाम्पल के तौर पे वीआई इसको मान सकते हैं, कुछ धाराओं में हम बात करेंगे, बाकी उस हर देश में ये बात लागू होती है, खास तौर से गल्फ देशों के बारे में, कि आप काम करते हैं क्या आपको अपने काम के कार्य के जॉब के ड्यूटी टाइम का पता है। अब आप में से बहुत सारे लोग इतनी बात सुनते वीडियो से निकल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती है। जी, आपको ये माइंड में फिक्स है 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है भाई, लेकिन इसके आगे पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करते हैं ना, आपको कुछ काम के घंटों के बारे में यानी ड्यूटी टाइम के बारे में आपके कुछ अधिकार हैं। आपको उन अधिकारों को फॉलो कंपनी से करवाना चाहिए, क्योंकि कंपनी भी तो आपसे फॉलो करवाती है ना, तो आप भी तो दुबई लेबर लॉ के हिसाब से आपको चलना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे दुबई का जो लेबर लॉ है 1980, उसमें अनुच्छेद है देखिए 65 से लेकर, जी हाँ, यानी 10-12 कानून के बारे में मैं बातें बताऊंगा कि अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग धारा में अलग अलग बातें बताई गई है। उन सब बातों का आपको पता होना चाहिए ताकि आप कहीं पर भी काम करें तो आपको अपने सुरक्षा अधिकार, आपके कानून अधिकार लेबर लॉ दुबई का पता होना चाहिए। जी हाँ, हालांकि ऐसे वीडियो बहुत लोग कम देखते हैं क्योंकि वो अपने को 30 मार का समझते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, पूरा वीडियो देख लीजिए भाई कि आपके छुट्टी के टाइम में आपके क्या क्या अधिकार हैं, किस तरह से छुट्टी मिलती है, कितनी ड्यूटी वगैरह सब डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीआई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई अनुच्छेद 65 में ये साफ साफ कुछ बातें हैं कि घंटे के बारे में, ड्यूटी टाइम में, सप्ताह में आपको कितना टाइम करना होता है। नॉर्मल ड्यूटी आपको पता है भाई 8 घंटे होती है, सबको पता है। सप्ताह की बात करें यानी पूरे सप्ताह में एक दिन की छुट्टी को छोड़ के 48 आवर्स आपको ड्यूटी करनी होती है। जी हाँ, 8 घंटे ड्यूटी मान्य है, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जैसे व्यापार से संबंधित हो गया, होटल से संबंधित हो गया, कैफे, सुरक्षा से संबंधित कोई जॉब वगैरह होते हैं, उनमें ड्यूटी 9 घंटे तक की जाती है। जी हाँ, या बता दूं कोई अलग काम है उसमें 9 घंटे ड्यूटी की जा सकती है। हार्ड काम कोई भी हो, जैसे कंस्ट्रक्शन का है, डिलीवरी वगैरह और बहुत सारे काम होते हैं जो आप कम से कम 8 घंटे काम करना होता है, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना होता है। जी हाँ, रमज़ान की बात करें, जैसे रमज़ान का महीना आता है तो उसमें सीधा सीधा आपको 2 घंटे छुट्टी, 1 महीने तक 2 घंटे कम काम करना होता है, यानी 6 घंटे में आपके कंप्लीट 8 घंटे माने जाएंगे और आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। आप सबको पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कई बार कंपनियां गलत कर लेती हैं। बहुत सारे लोगों के आउटसाइड में कंपनी होती है, फ्री जोन में, वहाँ कोई लोगों को पता ही नहीं होता, जंगलों में काम कर रहे होते हैं तो उनको करवा लेती है कंपनी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखना है भाई, 8 घंटे ड्यूटी वही वैलिड होगी जो आप ड्यूटी पे, जैसे अभी एग्री मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ से काम स्टार्ट होगा, ये नहीं कि मैं मेरे घर से आता हूँ फिर तैयार होता हूँ फिर बैठता हूँ, वो नहीं होता। जी, आप ड्यूटी पे चढ़ने के बाद में जो समय है ना वो लागू होगा। लोग सुबह, आपको पता है भाई, आप वे में रहते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के ड्यूटी पहुंचते हैं तो वो तो भी ड्यूटी टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वो कैलकुलेट नहीं होगा कि आप सुबह उठे, तैयार हुए, नाश्ता बनाया, बस में बैठे, घंटे भर की सफर करके आप पहुंचे, वो ड्यूटी मान्य नहीं होगी। आप ड्यूटी चढ़ के काम को छोड़ दिया, वो ड्यूटी आपकी मान्य होगी। समझ गए? बता दूं एक्ट 66, जी हाँ, यानी अनुच्छेद 66 में बात साफ बताई गई है कि लगातार जैसे आपकी 8-9 घंटे ड्यूटी होती है, बिल्कुल आपसे ड्यूटी नहीं करवानी चाहिए, ना ही आपको ये ड्यूटी करनी चाहिए। जी हाँ, लगातार की बात समझ रहे हैं, लगातार का मतलब ये होता है कि जैसे आप सुबह 9 बजे 8 बजे ड्यूटी पे चढ़ गए तो आपसे 4 से 5 घंटे बाद में आपका रेस्ट होता है। 8-9 घंटे सीधा तो कोई ड्यूटी नहीं कर सकता, वो तो रिस्की हो जाता है, फिर बंदा खाना कब खाएगा, नाश्ता कब करेगा, और भी बहुत सारे आराम कब करेगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको पता है कई कंपनियों में हर 3 घंटे बाद 10 मिनट की रेस्ट मिलता है, कई कंपनियों में 4 घंटे 5 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं, आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाता है भाई, घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, इस तरह से रेस्ट होता है। ये आपको खाना भी होता है, या आपको नाश्ता भी करना होता है, चाय वगैरह भी पीनी होती है, तो वो एक टाइम आपका 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा उसमें वैलिड हो जाता है। जी हाँ, और उसमें आपसे लगातार 4 से 5 घंटे कंपनी काम नहीं करवा सकती, उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट देना कंपनी की जिम्मेदारी। अनुच्छेद 67, जी हाँ, दुबई का जो लेबर लॉ है उसमें 67 में ये बात बताई गई है। आगे की हम बात करें कि कोई कंपनी आपको मान लीजिए 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाती है तो आपको ओवर टाइम कैसे मिलता है, आपको पता है? पक्का आपको नहीं पता। आपकी देखिए ओवर टाइम का सिस्टम ये है, आपको जैसे नॉर्मल ड्यूटी आपकी 10 दराम मिल रही है घंटे की, तो 100% आपको, हालांकि 10 दराम तो भाई बहुत ज़्यादा काम लोगों को मिलती है, 4 दराम 5 दराम 6 दराम इस तरह से मिलती है, लेकिन जो ड्यूटी टाइम होता है ना
वो उसमें ओवर टाइम भी आपका कम करके दिया जाता है, जबकि कर्ज सिस्टम में ये बना है दुबई का लेबर लॉ कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपकी जो सैलरी है उसका 25% आपको एक्स्ट्रा आपको देनी चाहिए। जी हाँ, इस तरह से ओवर टाइम का, तो ओवर टाइम का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बात करें भाई अनुच्छेद, जी हाँ अनुच्छेद 68 में इसमें एक बात अच्छी तरह से बताई गई है कि कई बार क्या होता है कंपनी आपसे नाइट ओवर टाइम करवाती है। आपको पता होगा ना कि कई बार जैसे 9-10 बजे तक आपकी ड्यूटी है, फिर बोलती है आप ओवर टाइम कर लो। ओवर टाइम का क्या पता आपको क्या मिलता है? अब ऊपर मैंने बताया कि ओवर टाइम का 25% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन नाइट में बता दूं रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में जो आप काम करते हैं एक्स्ट्रा में, उसको आपकी जो सैलरी है ना उसका भाई 50% एक्स्ट्रा, आपकी जो तनख्वाह है उस दिन की उसका 50% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। मान लीजिए आपको 50 दराम या 100 दराम मिल रहे हैं पर डे, तो उस दिन की आपकी सैलरी कितनी हो गई? 100 ग्राम के 150 दराम। जी हाँ, इस तरह से आपको ध्यान रखें कि नाइट ड्यूटी अगर आप करते हैं ओवर टाइम में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, तो आपको आपकी सैलरी का, आपकी उस दिन की ड्यूटी का 50% एक्स्ट्रा आपको बोनस मिलना चाहिए, आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। हम बात करें तो जो आर्टिकल है 69 उसमें साफ साफ ये बातें बताई गई है, ओवर टाइम कंपनी कई बार जबरदस्ती कर लेती है। आप करना चाहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन कंपनी बोलती है 4 घंटा करना पड़ेगा, 3 घंटे करना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, 2 घंटे तक कंपनी आपसे ओवर टाइम करवा सकती है। इसके बाद में कंपनी आपसे ओवर टाइम करवाती है तो वो एक खतरे की घंटी होती है बंदे के लिए, वर्कर के लिए, क्योंकि बंदा पहले से 8-9 घंटे तो ड्यूटी कर रहा है, मकान से निकला था तो निकला आया तैयार हुआ 10-11 घंटे लग गए, फिर 2 घंटे ओवर टाइम कर लिया तो कितनी 15-16 घंटे बंदे की ड्यूटी हो जाती है, तो उसके लिए ये बात रिस्की बन जाती है मेडिकली से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड। तो ये एक नहीं करवाना चाहिए कंपनी को 2 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम, ये बाकायदा 69 के जो आर्टिकल इसमें बातें बताई गई है। अनुच्छेद बता दूं 70 की बात करें, जी हाँ 70 में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कंपनी की जिस दिन छुट्टी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्राइडे की छुट्टी होती है कल देशों में, तो आपसे कंपनी कई बार बोलती है जी आपको छुट्टी नहीं करनी, आपको काम करना है, बदले में हम आपको तनख्वाह दे देंगे। आप ये सोचते हो यार चलो घर बैठे हैं काम है नहीं, जितनी भी तनख्वाह मिलती है अच्छा, नहीं नहीं जी गलत बात है। उस दिन अगर छुट्टी के दिन काम करवाया तो उसकी सैलरी 150 गुना बढ़ जाती है, समझ रहे हो बात को, यानी 150 गुना। नॉर्मली आपको अगर 100 दराम मिल रहे हैं तो उस दिन आपको 150 दराम मिलेगी, ड्यूटी वही 8 घंटे करनी है क्योंकि छुट्टी के दिन आप कंपनी पे काम कर रहे हो, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 71 में ये बात बताई गई है कि शुक्रवार फ्राइडे को भी कंपनी जॉब करवाती है तो 150% तनख्वाह देनी पड़ेगी, उसके बावजूद भी 2 शुक्रवार 2 छुट्टी से ज़्यादा वो काम नहीं करवा सकती। ये नहीं कि महीने में फ्राइडे की 4 छुट्टी होती है, चारों के चारों आपको जो आपसे काम करवाया जा रहा है आपको भी लालच हो रहा है, 150 आपको तनख्वाह 1.5 गुना मिल रही है, नहीं जी 2 फ्राइडे आप एक महीने में छुट्टी ड्यूटी कर सकते हैं, उसके बाद में आप काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 72 में बता दूं ये ऊपर की जो मैंने बातें बताई है ना जितनी भी बातें, ये बातें उन लोगों पे लागू नहीं होती है जो, कौन लोग हैं जो उच्च रैंक के अधिकारी हैं, जी हाँ उन लोगों पे लागू नहीं होती है, राजनेता हैं या जहाज समुद्र के मालिक चालक है ना, ड्राइवर समुद्री चालक होते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होती है भाई, उनके ऊपर लागू हो गया जी बल्ले बल्ले जी 8 घंटे हो गए छोड़ दिया समुद्र बीच में जहाज को छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बातें उन पे लागू नहीं होती है। हाँ समुद्र में वर्कर हैं जो कौन से लोडिंग अनलोडिंग उनके वर्करों को ऊपर ये बातें जो ऊपर मैंने बताई सब की सब लागू होती है। अनुच्छेद 73 में ये बातें और बताई गई है, मैं बता दूं मालिक द्वारा आपकी कंपनी द्वारा आपकी नियुक्ति द्वारा साप्ताहिक छुट्टी की रिपोर्ट, ठीक है जी छुट्टी की रिपोर्ट, हाफ डे की रिपोर्ट, टाइम कितने घंटे आपके वर्करों ने टाइम किया छुट्टी का दिन, ये पूरा प्रोसेस इसका एक रिपोर्ट बना के श्रम विभाग को अपडेट करनी होती है। जी हाँ हालांकि ये काम बहुत कम कंपनियां करती हैं, नहीं करती हैं। आगे बता दूं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो एक नंबर है श्रम विभाग का 800665 पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आई होप ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक करें शेयर करें चैनल और ज़रूर लोगों को भी ये शेयर ज़रूर कर दें ताकि उन लोगों तक भी ये बात आपकी पहुँच सके और उनको नॉलेज हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय